द प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। केरला हाईकोर्ट से पेट पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही खुशी की खबर आई है। कोर्ट ने कहा है कि RWAs या फिर रेजिडेंट ओनर एसोसिएशंस या वेलफेयर एसोसिएशंस निवासियों के फ्लैट्स में पेट्स रखने पर किसी तरह का प्रतिबंध, किसी तरह का रोक नहीं लगा सकती। क्या था पूरा मामला और अब हाईकोर्ट ने इस पर आखिर क्या जजमेंट दी है, मैं आपको बताऊंगी KYC के इस एपिसोड में। अब बात ये थी कि केरला के कई बहुमंजिला इमारतों और सोसाइटी अपार्टमेंट्स में निवासियों को अपने घरों में पालतू जानवर रखने पर हाउसिंग सोसाइटी, अपार्टमेंट एसोसिएशंस और RWA में ने रोक लगा रखी थी और इन हाउसिंग रेजिडेंट एसोसिएशंस के फैसले को केरला हाईकोर्ट में एक पशु कल्याण संगठन द्वारा चुनौती दी गई। पीपल फॉर एनिमल्स द्वारा दायर इस PIL में तर्क दिया गया कि पालतू जानवरों पर प्रतिबंध लगाना अवैध, मनमाना और अनुचित है। और मंगलवार को हाई कोर्ट ने इस पिटिशन पर अपना जजमेंट सुनाया। कोर्ट ने कहा कि रेजिडेंट एसोसिएशंस ऐसे पूरी तरह से पेट्स रखने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती। जजमेंट में कोर्ट ने कई चीज़ों की बात की। कोर्ट ने कहा कि कई धर्म जैसे कि जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और इस्लाम भी जानवरों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करने की बात करते हैं। कोर्ट ने फिर सुप्रीम कोर्ट की जल्लीकट्टू जजमेंट का भी हवाला दिया, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से सभी जानवरों के लिए 5 स्वतंत्रताओं, फ्रीडम्स को मान्यता दी गई थी। ये है भूख, प्यास और कुपोषण से मुक्ति, भय और संकट से मुक्ति, शारीरिक और थर्मल असुविधा से मुक्ति, दर्द, चोट और बीमारी से मुक्ति और व्यवहार के सामान्य पैटर्न को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। और इसी के साथ ही कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात की, जैसे कि आर्टिकल्स 48A और 51AG। अब आर्टिकल 48A जो है वो पर्यावरण का संरक्षण और सुधार और वनों और वनजीवों की सुरक्षा की बात करता है। वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 51AG एक फंडामेंटल ड्यूटी है। ये नागरिकों पर वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और जीवित प्राणियों के लिए दया करने का कर्तव्य लागू करता है लोगों पर। इसी के साथ कोर्ट ने केरला हाईकोर्ट की भी एक पिछले साल के जजमेंट की बात की, जिसमें हाईकोर्ट ने लोगों द्वारा पालतू जानवरों को पालने की चॉइस को आर्टिकल 21 के निजता के मौलिक अधिकार यानी कि राइट टू प्रिवेसी का हिस्सा माना था। आर्टिकल 21 जैसे कि आपको पता है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट ने निजता के आधार को इस राइट का हिस्सा माना है और इसी के चलते अब कोर्ट ने इस राइट को एक बार फिर दोहराया। द प्रिंट के लिए मैं अपूर्वा मंधानी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें।